हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और सॉल्व करेंगे उसके एमसीक्यूज। सो स्टार्ट करते हैं फटाफट। का जो टॉपिक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, अब ये इवेंट क्या है इसको फटाफट हम समझते हैं। देखिए भाई, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट मीन्स एक ऐसा इवेंट जो फर्टिलाइजेशन के बाद आता है, एक ऐसा इवेंट जो फर्टिलाइजेशन के बाद आता है, और उस इवेंट को हम लोग बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, सो यही चीज पहले पॉइंट में लिखी हुई है। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि ऑलरेडी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स पढ़ रहे हैं, और मैंने आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन इवेंट आते हैं। सबसे पहला इवेंट हमने पढ़ा था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। सेकेंड इवेंट हमने पढ़ा था फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन में आपने पढ़ा था कि गैमीट फ्यूज करती हैं और जायगॉट का फॉर्मेशन करती हैं, और जायगॉट के बाद जितने भी चेंजेस आते हैं और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, उस पूरे इवेंट को हम लोग बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, सो जायगॉट बनने के बाद जितना भी डेवलपमेंट प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम स्टडी करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम पढ़ेंगे सबसे पहले डेवलपमेंट इन जायगॉट, और दूसरा स्टेप जिसके हम स्टडी करेंगे वो है एम्ब्रियो जेनेसिस। एम्ब्रियो जेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जायगॉट। अब जायगॉट का नेचर कैसा है बच्चों? जायगॉट जो है वो डिप्लॉयड इन नेचर है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि गैमीट्स फ्यूज करती हैं। ठीक है, और जो गैमीट्स का नेचर होता है वो नेचर कैसा होता है? हैप्लॉयड होता है। जब हैप्लॉयड गैमीट्स फ्यूज करेंगी और डिप्लॉयड जायगॉट का फॉर्मेशन करें। ठीक है, सो जितने भी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उन सभी में बनने वाला जो जायगॉट है उसका नेचर है डिप्लॉयड। ठीक है, ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, लाइफ स्टार्ट कैसे होती है? तो देखिए भाई, गैमिट्स फ्यूज कर रही है, जायगॉट बन रहा है, और इसी जायगॉट में, जायगॉट सबसे पहली सेल है, सिंगल सेल है, ठीक है, जिससे किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ बिगेन होती है। क्योंकि जायगॉट में जब चेंजेस आएंगे, ठीक है, तो किसका फॉर्मेशन होगा? न्यू ऑर्गेनिज्म का। सो किसी भी न्यू ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन के लिए एक सिंगल सेल की रिक्वायरमेंट होती है जिससे लाइफ बिगिन होती है, और वो सिंगल सेल है बच्चों जायगॉट। सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन रेज होते हैं। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से पढ़ें। अच्छा भाई, अब फर्टिलाइजेशन कितने तरह का होता है, क्योंकि जायगॉट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब हमें ये पढ़ना है कि जायगॉट बॉडी के अंदर फॉर्म हो रहा है कि बॉडी के बाहर किसी मीडियम में फॉर्म। ठीक है, सो जायगॉट अगर बॉडी के बाहर फॉर्म हो रहा है, ठीक है, मीडियम क्या है? वाटर। सो ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो गैमेट्स हैं वो भी बॉडी से बाहर निकल जाती हैं, ठीक है, एक मीडियम के थ्रू मूव करती है, और उसी मीडियम के थ्रू फ्यूज करके जायगॉट का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, सो ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ओके, अच्छा भाई, अब क्या होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन? जायगॉट फॉर्म इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जायगॉट जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बनता है, जैसे एग्जाम्पल हो गया ह्यूमन बींग, फर्टिलाइजेशन भी कहाँ हो रहा है? बॉडी के अंदर हो रहा है। ठीक है, अब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि ह्यूमन बीइंग के केसेस में जो फीमेल गैमेट है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था, जो फीमेल गैमेट है उसका नेचर है नॉन मोटाइल, जबकि जो मेल गैमेट है उसका नेचर है मोटाइल। ठीक है, अब मेल गैमेट फीमेल की बॉडी में एंटर करता है,
ठीक है, गैमेट्स आपस में फ्यूज करती हैं, देन जायगॉट का फॉर्मेशन होता है। सो जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जायगॉट बनता है, सो बच्चों उस फर्टिलाइजेशन को हम लोग बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ओके। अब हम सॉल्व करेंगे इसी से रिलेटेड एमसीक्यू। जैसे सीधा क्वेश्चन आया, लाइफ बिगिंस इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एज ए, हमने अभी डिस्कस किया था कि लाइफ जो स्टार्ट हो रही है, ठीक है, किसी भी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की, वो एक सिंगल सेल से होती है और उस सिंगल सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, जायगॉट। सो ऑप्शन इज फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी चार इवेंट आपको दिए गए हैं। सबसे पहला, इट इज यूजली बाइपेरेंटल। दूसरा, गैमेट्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड। तीसरा, इट इज अ स्लो प्रोसेस। और चौथा, इट इन्वॉल्व ओनली माइटोसिस। सो आंसर इज, इट इज यूजुअली बाय पेरेंट। ठीक है, क्लियर? क्योंकि जायगॉट बनने के बाद, अब जायगॉट जो बन रहा है, ठीक, उसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, फिर जायगॉट बन, ठीक है। तो इसमें सिंपल सी बात ये बोली गई है कि कौन सा ऐसा इवेंट है, ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिगार्ड नहीं कर रहा। अब इसमें लिखा हुआ, इट इज यूजुअली बाय पेरेंट, यूजुअली हमेशा बाइपेरेंटल प्रोसेस नहीं होता है। अब आगे देखें, अगला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। सो अभी हमने ये पढ़ लिया कि जायगॉट क्या होता है, जायगॉट बॉडी के अंदर फॉर्म हो रहा है कि बॉडी के बाहर फॉर्म। अब हम पढ़ेंगे उसी जायगॉट में होने वाला डेवलपमेंट, ठीक है। सो यही पॉइंट सबसे पहले लिखा हुआ है, फर्दर डेवलपमेंट ऑफ जायगॉट। अब जायगॉट का जो डेवलपमेंट है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर है टाइप ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैज। लाइफ साइकिल जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म में वो किस तरीके की है। अब आप कहोगे लाइफ साइकिल से क्या मतलब है, मीन्स हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है या फिर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है या फिर हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, ठीक है। यही चीज इसमें बोली जा रही है कि जायगॉट का जो फर्दर डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म में किस तरीके की लाइफ साइकिल चल रही है, ठीक है। और दूसरा फैक्टर एनवायरनमेंट जिसमें वो ऑर्गेनिज्म एक्सपोज हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, अब ये जो एग्जाम्पल में सीधा सीधा क्वेश्चन आएंगे, इन फंगाई एंड एल्गी, फंगाई एंड एल्गी, इनमें बच्चों जब जायगॉट बनता है तो जायगॉट के सराउंडिंग में, सपोज ये जायगॉट है, जायगॉट के सराउंडिंग पे एक लेयर ड्रॉ हो जाती, प्रोटेक्टिव कवरिंग आ जाती, ठीक है। सो जायगॉट के सराउंडिंग पे प्रोटेक्टिव कवरिंग आ जाती है थिक वॉल की, ठीक है, जो उस जायगॉट को प्रोटेक्ट करती है डैमेज होने से, ठीक है, डेसिकेट टूटने फूटने से, ठीक है। और ये कब बनती है, जब जायगॉट जर्मिनेशन से पहले रस्टिंग फेज में चला जाता है, ठीक है। जायगॉट बना और उसके बाद जायगॉट में तुरंत डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुआ, कुछ समय के लिए जायगॉट रेस्टिंग फेज में चला गया। उस समय जायगॉट के सराउंडिंग पे एक थिक वॉल्ड लेयर फॉर्म हो जाती है और वो जो लेयर होती है वो उसे क्या प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन फ्रॉम डेसिकेशन एंड डैमेज, ठीक है। सो किस में ये प्रोसेस होता है, कहोगे फंगाई एंड एल्गी। ओके, तो एल्गी और फंगाई में कौन सी लाइफ साइकिल वर्क करती है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या है। व्हाट इज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, देखिए जायगॉट डिवाइड्स बाय मियोसिस, ठीक है, टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स। अब इसमें सिंपल सी बात बोली गई है, जायगॉट टू एन नेचर का होता है, जायगॉट टू एन नेचर का होता है। अब जायगॉट में जब डेवलपमेंट होगा, जायगॉट डिवाइड करेगा, तो उसमें परफॉर्म क्या होगी, मियोसिस, ठीक है। और मियोसिस होने के बाद आपको अच्छे से बताया कि जायगॉट से आती है स्पोरोफाइट फेज और स्पोरोफाइट फेज से आती है गैमेटोफाइट फेज, राइट, ठीक है। तो जायगॉट टू एन नेचर का है, मियोसिस हुई और उसने हैप्लॉयड स्पोर्स का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है, हैप्लॉयड स्पोर्स का फॉर्मेशन कर दिया। और वो जो हैप्लॉयड स्पोर्स है वो ग्रो करके हैप्लॉयड इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं,
ठीक है। सो ऐसी मियोसिस को हम लोग बोलते हैं जायगोटिक मियोसिस, ठीक है। ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, जायगोटिक मियोसिस। और ये जो जायगोटिक मियोसिस है ये कौन सी लाइफ साइकिल कन्वे करती है, हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल। चलो इसका डायग्राम भी देख लेते हैं। सो ये देखिए आपको दिख रहा है, ये जायगोट है, जायगोट में मियोसिस हुई और इसने फोर हैप्लोइड स्पोर्स प्रोड्यूस कर दी, फोर हैप्लोइड स्पोर्स प्रोड्यूस कर दी। अभी जो हैप्लोइड स्पोर्स हैं, ठीक है, ये आगे कौन सी फेज लेकर आएंगे, हैप्लोइड स्पोर है, अब स्पोर से अगेन गैमिट बनेगा, तो बनने वाला जो गैमिट है वो भी कैसा होगा, अगेन हैप्लोइड, ठीक है, क्लियर, ठीक है। और फिर गैमिट फ्यूज करेंगे, जायगोट का फॉर्मेशन होगा। सो आप देख रहे हैं सिर्फ एक फेज है पूरी लाइफ साइकिल में जिसका नेचर क्या है, डिप्लॉयड। उसके अलावा पूरी लाइफ साइकिल में जितनी भी फेज है, ठीक है, वो कैसे नेचर की है, हैप्लोइड। इसीलिए ऐसी लाइफ साइकिल को हम लोग बोलते हैं हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल, ठीक है बच्चों। चलो अब नेक्स्ट है डिप्लोइडिक लाइफ साइकिल। डिप्लोइडिक लाइफ साइकिल क्या है, इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, देखो हैप्लोइडिक में हमने क्या पढ़ा था, जायगोट रेस्टिंग फेज में गया, ठीक है, उसके बाद उसने जर्मिनेशन स्टार्ट किया। पर डिप्लोइडिक लाइफ साइकिल में जो जायगोट है वो रेस्टिंग फेज में नहीं जाता है, ठीक है। तो जब जायगोट रेस्टिंग फेज में नहीं जाता है तो जब जायगोट डिवाइड करेगा, सपोज ये जायगोट है, तो जायगोट जब डिवाइड करेगा तो वो कौन से प्रोसेस के थ्रू करेगा, आप कहोगे माइटोसिस के थ्रू परफॉर्म करेगा और डिप्लॉयड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और उसी डिप्लॉयड एम्ब्रियो से बनने वाला जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है उसका नेचर भी कैसा होगा, डिप्लॉयड। देखिए जायगोट में माइटोसिस हुई तो जायगोट में डिवीजन हुआ, एक से दो सेल बनी, देन दो से चार सेल बनी, ठीक है, देन चार से आठ सेल बनी, ठीक है, और फिर एट से आई सिक्सटीन सेल स्टेज। ये सब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों, ठीक है, उसको हम लिखेंगे जायगोट अप टू एट सेल स्टेज, जायगोट अप टू एट सेल स्टेज, ठीक है। फिर आगे डेवलपमेंट होगा और किसका फॉर्मेशन होगा, कंप्लीट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। फिर इम्ब्रियो का नेचर भी कैसा है, 2N, क्योंकि माइटोसिस हो रही लगातार। जब जायगोट का नेचर 2N है और उसमें माइटोसिस होगी तो आपको अच्छे से पता है कि जब कोई सेल 2N नेचर की है और वो माइटोसिस परफॉर्म करती है सो बनने वाले जो डॉटर सेल्स होती हैं, ठीक है, उनका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो पेरेंट सेल से एग्जैक्ट सेम होता है। तो यहाँ पे इम्ब्रियो का नेचर भी कैसा हो गया, 2N। अब इस इम्ब्रियो से कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा, सो बच्चों उसका नेचर भी कैसा होगा, 2N। सो ऐसे लाइफ साइकिल को हम लोग बोलते हैं डिप्लोइडिक लाइफ साइकिल, ठीक है, क्लियर। अब ये साइकिल किन ऑर्गेनिजम्स में होती है, आपको हो गया हायर एनिमल्स जिसमें हम लोग आते हैं, ह्यूमंस आते हैं, उसके अलावा सीड बियरिंग प्लांट्स में भी डिप्लोइडिक लाइफ साइकिल वर्क है। तो इसका डायग्राम देख लेते हैं, आपने देखा ये जायगोट है, अब जायगोट में चेंजेस आए, स्पोरोफाइट फेज आ गई, मतलब कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म। अब इस ऑर्गेनिज्म में ये स्पोर प्रोड्यूस करेगा, स्पोरोफाइट फेज है तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पोर्स, ठीक है। इसमें क्या हुई, मियोसिस, तो इसने क्या प्रोड्यूस कर दी, गैमेट्स, क्या प्रोड्यूस कर दी, गैमेट्स। और फिर आपको अच्छे से पता है कि गैमेट्स जब फ्यूज करती है तो क्या बनता है, जायगोट। गैमेट्स का नेचर क्या है, एन, बट बनने वाला जायगोट का नेचर क्या है, 2N, ठीक है। सो लॉन्गेस्ट फेज यहाँ पे जो आपको दिख रही है वो कौन सी फेज है, आप कहोगे डिप्लॉयड फेज, लॉन्गेस्ट फेज है। ऐसी लाइफ साइकिल्स को हम लोग बोलते हैं डिप्लोइडिक लाइफ साइकिल, ठीक है, जो पाई जाती है हायर एनिमल्स में और सीड बियरिंग प्लांट्स में। अब अगली आती है डिप्लो हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल। अब नाम में ही आपको समझ में आ गया, डिप्लो हैप्लोइडिक मीन्स पूरी लाइफ साइकिल जो है वो इक्वल एंड्स में डिवाइडेड है, ठीक है। आधी लाइफ साइकिल जो है वो डिप्लॉयड सेल्स कंटेन कर रही है और आधी लाइफ साइकिल में हैप्लोइड सेल्स प्रेजेंट है। तो देखो अब डिप्लो हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल जो है ये सबसे पहले तो पाई जाती है ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में
और एल्गीज है, ठीक है। इनमें चलती है डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोस्ट प्लांट्स, द गैमेटोफाइट व्हिच इज हैप्लॉइड प्रोड्यूसेस गैमेट्स बाय माइटोसिस। अब इसमें बोला गया है कि जो गैमेटोफाइट फेज है उसका नेचर कैसा है, हैप्लॉइड, ठीक है। वो क्या प्रोड्यूस करेगी, गैमेट्स, कौन से प्रोसेस के थ्रू, माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो देखो भाई डायग्राम समझते हैं, ये है स्पोरोफाइट फेज। अब स्पोर्स में क्या हुई, मियोसिस, ठीक है। तो बन गए सारे के सारे स्पोर्स कैसे, हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस हो। अब ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स है इनका नेचर एन है, तो जो गैमेट्स बनेंगे उनका नेचर भी क्या होगा बच्चों, एन। अब ये गैमेट फ्यूज करेंगी, ठीक है, जैगॉट बनाएगी, फिर जैगॉट से स्पोरोफाइट फेज आएगी, देन स्पोर्स बनेंगे, ठीक है। सो आधी लाइफ साइकिल आप देख रहे हो डिप्लॉइड है और आधी लाइफ साइकिल जो है वो हैप्लॉइड है, इसीलिए इस लाइफ साइकिल को हम लोग बोलते हैं डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, क्लियर। अब हम सॉल्व करेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जायगोट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड आफ्टर सिनगैमी, सिनगैमी के बाद, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट से ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ, अंडरगो मियोसिस, और जायगोट में हो गई बच्चों मियोसिस, ठीक है। और मियोसिस के पास जो स्पोर्स बने उनका नेचर कैसा था, हैप्लॉइड। अब ये हैप्लॉइड स्पोर्स में हो रही है माइटोसिस और आ रहा है गैमेटोफाइट फेज, मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। सो ऑर्गेनिज्म में कौन सी लाइफ साइकिल चल रही है बच्चों, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है, क्योंकि जायगोट में मियोसिस होगा। और अभी हमने डिस्कस किया था कि जब जायगोट में मियोसिस होती है तो हैप्लॉइड स्पोर्ट्स बनते हैं, तो लाइफ साइकिल को हम लोग क्या बोलेंगे, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ओके नेक्स्ट, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज फाउंड इन, अभी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसमें चलती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोअर एनिमल्स, लोअर प्लांट्स, सीड बियरिंग प्लांट्स, थैलोफाइट्स। आंसर इज सीड बियरिंग प्लांट्स, क्योंकि अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दो ही तरह के इंडिविजुअल चलती है, पहला तो हायर एनिमल्स है, दूसरा सीड बियरिंग प्लांट्स है। ओके नेक्स्ट, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज फाउंड इन, अब ये लाइफ साइकिल किन में पाई जाती है, थैलोफाइट्स। अब थैलोफाइट्स में ब्राफाइट्स भी आते हैं, एल्गीज भी आते हैं, ठीक है, टेरिडोफाइट्स, रायोफाइट्स। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इन तीनों में चलती है, तो ऑप्शन क्या होगा बच्चों, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। चलो तो जायगोट पूरी तरीके से खत्म हो गया है, लाइफ साइकिल हमने पढ़ ली है, अब आता है एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब बच्चों मैंने क्या बताया था, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। सो एम्ब्रियो के फॉर्मेशन तो हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। सो जायगोट में जब चेंजेस आते हैं और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, उस पूरे स्टेप को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। अब एम्ब्रियोजेनेसिस में दो स्टेप परफॉर्म होते हैं, सबसे पहला स्टेप है जायगोट जो बना हुआ है, जायगोट में क्या परफॉर्म होंगी, सेल डिवीजन, जो अभी मैंने आपको पिछले डायग्राम से बना के दिखाया। जब जायगोट में लगातार सेल डिवीजन होगी, तो आपको मैंने बताया था दो सेल बनती है, ठीक है, देन चार, देन आठ, तो लगातार आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज हो गई, ठीक है, ताकि एम्ब्रियो फॉर्म हो सके, ठीक है, और एम्ब्रियो अच्छे से डेवलप हो सके। जो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रही है वो कौन से प्रोसेस के थ्रू इंक्रीज हो रही है, आप कहोगे सेल डिवीजन। फिर क्या होता है बच्चों, जब नंबर ऑफ सेल्स बन जाती हैं, फिर होता है सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन का मतलब है कि जो सेल डिवाइड होके बन चुकी हैं, अब वो आगे चल के उनमें मॉडिफिकेशन होता है और वो स्पेशलाइज्ड टाइप के टिश्यूज बनाती हैं, ऑर्गन्स बनाती हैं, और उन्हीं ऑर्गन से बनता है बच्चों पूरा का पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, देखिए ये एक सेल है, अब इस सेल ने डिवाइड किया एक से दो, ठीक है, जिसमें से जो ये वाली सेल है वो डिवाइड करेगी अभी, बट ये वाली जो सेल है ये स्पेशलाइज्ड हो गई, मतलब अब ये आगे फर्दर डिवाइड नहीं करेगी। इसने डिवाइड किया, दो सेल प्रोड्यूस कर, जिसमें से ये फंक्शनल है, इसमें क्या हो गया बच्चों, स्पेशलाइजेशन,
ठीक है, अब आप कहोगे स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है? स्पेशलाइजेशन का मतलब जो है उसमें जो सेल है वो मॉडिफिकेशन कर रही है, ठीक है, स्पेशल टाइप के टिश्यूज बना रही है, ऑर्गन्स बना रही है। अब जैसे स्पेशलाइजेशन हुआ और ये जो सेल है ये आगे चल के पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा में कन्वर्ट हो। अब आपको अच्छे से पता है कि जो पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं वो एपिडर्मिस का फॉर्मेशन भी करती हैं, उसके अलावा कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करती हैं, पिथ का फॉर्मेशन करती हैं। इन सभी रीजन्स में कौन सी सेल्स होती हैं? पैरेन्काइमा। सो दिस इज कॉल्ड स्पेशलाइजेशन। और ओवरऑल इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेल डिफरेंसिएशन। सबसे पहले जायगोट ने डिवाइड किया, नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस करे विद द हेल्प ऑफ माइटोटिक डिवीजन, फॉर्मिंग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के जो सेल्स हैं, ठीक है, उसमें से कुछ सेल्स जो हैं वो डिवाइड कर रही हैं, बट कुछ सेल्स मॉडिफाइड हो रही हैं। स्पेशलाइज्ड टिश्यूज और ऑर्गन का फॉर्मेशन हो रहा है जिससे कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा। सो इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं सेल डिफरेंसिएशन। क्लियर बच्चों? अब हम आगे बढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ जायगोट। ठीक है, अब जायगोट के डेवलपमेंट के बेसिस पे कि जायगोट जो है वो फीमेल ऑर्गेनिज्म के अंदर बन रहा है कि बाहर बन रहा है, फीमेल ऑर्गेनिज्म के अंदर बन रहा है कि बाहर बन रहा है। तो देखो भाई, हमने जायगोट अंदर और बाहर के प्रेजेंस में एनिमल्स को हमने कैटेगराइज कर दिया तीन फॉर्म, ओविपैरस, वीवी पैरस और ओवोवीवी पैरस। ओवी पैरस तो आप सभी को पता है, ओवी पैरस ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जो अंडे देते हैं। क्या देते हैं बच्चों? अंडे। अब इसमें कौन आएगा? रेप्टाइल्स आएंगी, बर्ड्स आएंगे, ये अंडे देती हैं। और अंडों के सराउंडिंग पे कैल्शियम की लेयर होती है और उसी कैल्शियम की लेयर को हम लोग बोलते हैं हार्ड कैल्कीरियस शेल, ठीक है, जो उस एग को प्रोटेक्ट करती है। ये अंडे देते कहाँ हैं? बिल्कुल सेफ प्लेस पे, ठीक है। और इनक्यूबेशन, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्हाट इज इनक्यूबेशन। आप कहोगे इनक्यूबेशन एक वो टाइम पीरियड है, ठीक है, जिसमें बेबी एग के अंदर फॉर्म हो रहा है, ठीक है, जब तक बेबी फॉर्म हो रहा है और अंडा फूटा नहीं है और अंडे से बेबी बाहर नहीं आया है, उस पूरे टाइम पीरियड को हम लोग बोलेंगे इनक्यूबेशन, ठीक है। जैसे 9 मंथ की प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं गेस्टेशनल पीरियड, उसी तरीके से एग के अंदर जो बेबी फॉर्म हो रहा है, ठीक है, उस पूरे टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। और जैसे इंक्यूबेशन पीरियड खत्म होता है जो एग है वो हैच आउट होता है, मतलब फूट जाता है और यंग वंस जो है वो बाहर आ जाते हैं। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अंडे देते हैं, ठीक है, अंडों के सराउंडिंग पे प्रोडक्टिव कवरिंग होती है, हार्ड कैल्कीरियस शेल होता है, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलते हैं ओवी पैरस एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट, वीवी पैरस क्या होता है भाई? वीवी पैरस एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जो अंडे नहीं देते, बॉडी के अंदर बेबी का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। सो इन विविपैरस एनिमल्स, उसमें मेजोरिटी ऑफ एनिमल्स आते हैं, ह्यूमन बीइंग भी आता है, जिसकी बॉडी में गैमेट्स की फ्यूजन से बनता है जायगोट और उसी बॉडी के अंदर जायगोट से बनता है कंप्लीट इंडिविजुअल। अभी जो कंप्लीट इंडिविजुअल बन रहा है ये फीमेल ऑर्गेनिज्म या फीमेल इंडिविजुअल की बॉडी में बन रहा है, ठीक है। सो ऐसा प्रोसेस जिसमें बेबी का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, बच्चों का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं वीवी पैरस एनिमल्स। अब आगे आता है इंपॉर्टेंट ओवो वीवी पैरस। अब ये ओवो वीवी पैरस क्या है? तो देखें, ओवो वीवी पैरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसमें फीमेल ने अंडा दिया, ध्यान से सुनिएगा, फीमेल ने एग लेइंग करी और उस एग को बॉडी के अंदर रिटेन कर दिया, वापस बॉडी के अंदर डाल, पहले अंडा दिया और उसको दोबारा से बॉडी के अंदर ले, ठीक है। और बॉडी के अंदर लेने के बाद बॉडी के अंदर ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, ठीक है भाई, जो बेबी है अंडा फूटेगा, बेबी बाहर आएगा, ठीक है, लेकिन वो मदर की बॉडी के अंदर ही डेवलप हो रहा है, लेकिन उसको, उस बेबी को कोई एक्स्ट्रा नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि इन इंडिविजुअल्स में प्लेसेंटा नहीं होता, इन इंडिविजुअल्स में प्लेसेंटा नहीं होता है, ठीक है। सो इसीलिए इन्हें क्या बोला गया? ओवो वीवी
पेरिस। सबसे पहले इन्होंने फर्टिलाइज एग दिया, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद एग बना, वो एग इन्होंने बॉडी के बाहर निकाल दिया। अब जो अंडा है उसको बॉडी में दोबारा रिटेन कर लिया, ठीक है, उससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ और बेबी बॉडी के अंदर ही फॉर्म हो रहा है। बट बेबी को बॉडी की तरफ से कोई भी एक्स्ट्रा नरिशमेंट नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि प्लेसेंटा एबसेंट होता है ऐसे इंडिविजुअल्स में, और इन इंडिविजुअल्स को हम लोग बोलते हैं ओवोवीवी पैरस। इसमें आते हैं शार्क, रैटल स्नेक, ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब लगाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस। देखिए सबसे पहला, डिपोजिशन ऑफ कैल्केरियस शेल अराउंड जैगॉट अकर से, तो अभी हमने पढ़ा है ना कि जैगॉट के बाद जो एग बनता है उसके सराउंडिंग पे कैल्केरियस लेयर होती है, कि कौन से इंडिविजुअल्स में होती है, आंसर होगा बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। अगला क्वेश्चन, सिलेक्ट जो ऑप्शन हु शो विविपेरस एनिमल। अब इसमें से आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना हो, बताना है कौन से ऐसे एनिमल है जो विविपेरस हैं, व्हेल एंड माउस, ठीक है। विविपेरिटी इज फाउंड इन, विविपेरिटी किसमें देखी गई है, शार्क में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल गिव बर्थ टू यंग वंस, अब इसमें आपको बताना है कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, और ऑर्निथोरिंकस एनिकिडना, हाँ बिल्कुल देते हैं, मैक्रोपस एंड टेरोपस नहीं देते हैं, बच्चों को जन्म नहीं देते हैं, बेलोप्टेरा एंड होमोसैपियंस बच्चों को जन्म देते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा बच्चों, बोथ ए एंड सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑफस्प्रिंग ऑफ ओवीपेरस एनिमल आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ सर्वाइवल एज कंपेयर टू दोज ऑफ विविपेरस एनिमल, ठीक है। इसमें बोला गया है कि जितने भी ऑफस्प्रिंग ओवीपेरस एनिमल्स फॉर्म करते हैं उनके सर्वाइकल सॉरी उनके सर्वाइवल में बहुत रिस्क होता है देखा जाए विविपेरस से कंपैरिजन। क्यों भाई? क्योंकि प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर और प्रोटेक्शन ओवीपेरस एनिमल्स में एब्सेंट होती है, और यही चीज विविपेरस एनिमल्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक इस पूरे चैप्टर का हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो देखिए, अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, फ्लावरिंग प्लांट की, ठीक है। अब फ्लावरिंग प्लांट में आपको दो चीजें आपको याद रखनी है, कि जैसे सपोज बच्चों ये गाइनोशियम, कई बार आपने इसका डायग्राम पढ़ा होगा, जितने बच्चों मेरी सारी वीडियोस को देख रहे हैं, ये गाइनोशियम, गाइनोशियम का जो टिप रीजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा, लॉन्ग नेक लाइक स्ट्रक्चर इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल, और ये जो नीचे का रीजन इसको हम लोग बोलते हैं ओवरी, ठीक है। अब भाई ये जो डायग्राम है, ठीक है, और इस ओवरी के अंदर क्या लगे होते हैं, ओव्यूल्स, ठीक है। सो सिंपल सी बात मैं आपको बताना चाहूंगी, आफ्टर फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है, क्या होता है भाई, ओवरी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, फ्रूट में, जबकि जो ओव्यूल्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चों सीड, ठीक है, समझ में आया। अब यही पॉइंट सबसे पहला पॉइंट है, देखिए, जैगॉट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल ऑफ द फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स में जैगॉट कहाँ बनता है, आप कहोगे ओव्यूल के अंदर। अब ये भी मैंने आपको डायग्राम एक्सप्लेन किया था, सपोज ये हमारा ओव्यूल है, एनाट्रोपस ओव्यूल, इस ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक है और उस एम्ब्रियो सैक में है एग सेल, ठीक है, मैंने आपको बताया था ये है एग सेल। अब जहां एग सेल है वहीं तो बच्चों जैगॉट बनेगा, तो जैगॉट कहाँ बनता है, आपको ओके इनसाइड द ओव्यूल, ठीक है, ओके। दूसरा पॉइंट, अब ये जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है ये कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, और ओवरी की जो वॉल है, ओवरी की सपोज ओवरी है, सो ओवरी की जो वॉल है वो बच्चों कन्वर्ट हो जाती है किसमें,
पेरिकार्प में, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि सीड के सराउंडिंग पे जो कवरिंग है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है, उस पूरी प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्प, ठीक है। अब जो पेरिकार्प है वो आगे चल के तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है। सबसे पहले बनाता है बच्चों एपिकार्प, देन बनाता है मीजोकार्प, देन बनाता है बच्चों एंडोकार्प। देखिए आम सभी खाते हैं, सो आम के सराउंडिंग पे जो लेयर होती है येलो कलर की या ग्रीन कलर, उसको हम लोग बोलते हैं एपिकार्प। जो फ्लैशी पोर्शन होता है जो हम खाते हैं उसको बोलते हैं मीजोकार्प, और अंदर की जो गुठली होती है उसको हम लोग बोलते हैं एंडोकार्प, और इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं पेरिकार्प, ठीक है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो यही चीज बोली जा रही है, द रैपेंड ओवरी, जो रैपेंड ओवरी होती है उसके अंदर क्या लगे होते हैं, सीड्स लगे होते हैं, और यही सीड्स किसका फॉर्मेशन करते हैं, फ्रूट्स का, ठीक है। क्लियर। पेरिकार्प जो है वो यंग सीड्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। और फिर आफ्टर डिस्पर्सल, जैसे डिस्पर्सल हो जाता है, सीड्स जो है तो पेरिकार्प को रप्चर करके बाहर रिलीज हो चुके हैं, और वो जर्मिनेट करके किसका फॉर्मेशन करते हैं बच्चों, न्यू प्लांट्स का। सो ये देखिए मटर आपको दिख रहा है, ये मटर है, मटर का जो छिलका है इस छिलके को बोला गया है पेरिकार्प, इसका मतलब बच्चों पेरिकार्प, और ये जो अंदर लगे हैं इसको हमने बोला है सीड्स। ये नेक्स्ट डायग्राम है, इसमें भी देखिए ये अंदर सीड वाला पोर्शन, सराउंडिंग में जो प्रोडक्टिव कवरिंग वो है पेरिकार्प, सेम इसमें और सेम इसमें, ठीक है। क्लियर। अब इसके क्वेश्चंस भी देख लें। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया, विच ऑफ द लेबल्ड पार्ट इन द ट्रांसपोर्ट सेक्शन ऑफ टोमेटो फ्रूट, ठीक है। अभी जो लेबल्ड पार्ट है टोमेटो फ्रूट का, पहला तो एक्स, एक्स क्या है बच्चों अभी हमने पढ़ा है सीड, और वाई क्या है बच्चों पेरिकार्प, ठीक है, सीड और पेरिकार्प, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि दोनों हैप्लॉयड है कि कोई एक हैप्लॉयड है, क्या दोनों डिप्लॉयड है कि कोई एक डिप्लॉयड है। तो क्वेश्चन में तो पूछा गया आपको डिप्लॉयड बताना, तो सीड भी डिप्लॉयड है, पेरिकार्प भी डिप्लॉयड है, सो ऑप्शन क्या होगा, बोथ एक्स एंड वाई। नेक्स्ट, द वॉल ऑफ द ओवरी फॉर्म्स, अब ओवरी की जो वॉल है अभी हमने पढ़ा है किसका फॉर्मेशन करती है बच्चों, पेरिकार्प का, ठीक है। सो बच्चों आई होप आपको मेरा आज का लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। हमने क्वेश्चंस भी डिस्कस किए, टॉपिक भी कवर किए, ठीक है, और इससे रिलेटेड जितनी भी हमारी वीडियोस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाके आप सारे वीडियोस को देख लें, पढ़ लें, ठीक है। और जो भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, ठीक है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।